ट्रक ओनर एसोसिएशन हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। हमारे रविंद्र भाई, सुरेंद्र भाई पटनायक और नीरू पटनायक जो कई साल के बाद दिख रहे हैं यहाँ पर, और कई लोग मौजूद हैं, आइए मिलेंगे। सर आइए, जिन गणतंत्र दिवस है जो कि कारण है आज वास्तवतम साधारणतंत्र दिवस है, इसमें मेरा सब भाइयों का मैं निवेदन करूंगा, जैसा कि देश का अखंडता सबको साथ में ले करके आगे बढ़ेंगे, देश का भला होगा, उसी के लिए मैं कामना करता हूं। और मेरा यूनियन का भाई लोगों को भी बोल रहा हूं, सबको साथ में ले करके देश का कैसा हित होगा, संस्था का कैसा हित होगा, हमारा समाज का कैसा हित होगा, सबको मिलजुल करके काम करेंगे, यही मेरा। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, नीरू भाई, नीरू भाई ये बहुत पुराने संबलपुर के सर, आज ये नई जनकान कहे हम ट्रक में बहुत भल सब मिली जुली कर चलवार कथा है, देशर भल करवार कथा, एटा ही हमर कामना है। थैंक यू सर। बोले प्रश्न सर, आप भी बोले, भी बोले 72वां गणतंत्र दिवस के अवसर पे समस्त ट्रक मालिक को हार्दिक बधाई है और संबलपुर वासियों को भी, देशवासियों को भी, ये मेरा मनोकामना है कि सब सुख शांति और समृद्धि उनको मिले। सर बोले शॉर्टकट में बोलेगा, आज 72वां गणतंत्र दिवस है, स्वाधीनता के 2.5 साल बाद हमें हमारा संविधान मिला, जो कि अथक प्रयास से संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया। इससे हमको ये अधिकार मिला कि हम भारत के जितने भी गण हैं सबको तंत्र मिले और हम सब बराबर भागीदार बने और सबका अधिकार समान हो। बहुत धन्यवाद सर। अभी हमने देखा ट्रक ओनर एसोसिएशन में किस तरह बड़े धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस, और हर कोई मौजूद थे, हर कोई थे। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।